I am Beer the Robo Boy. Please click to subscribe. Don't forget to hit the bell icon to get updates on new videos. Jintu ki boxing. चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हाँ, चलो। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आओ और करके दिखाओ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ओ, बहुत अच्छे, अच्छा लगा। क्या तुम मेरे जैसी बॉक्सिंग भी कर सकते हो? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता। चलो जिंटू। हाँ हाँ, मैं तुमसे भी अच्छी बॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो फिर अगले संडे सबके सामने हम दोनों में बॉक्सिंग का मुकाबला होगा। नहीं नहीं, जिंटू मजाक कर रहा है, वो बॉक्सर नहीं है। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ अगले संडे। मेरा तो मन कर रहा था तभी उसको बॉक्सिंग के पंचेस मार मार के ढेर कर दूं। चिंटू, तुमने बॉक्सिंग का चैलेंज तो ले लिया है, लेकिन बॉक्सिंग एक खेल है, तो इसे खेल भावना से ही खेलना। यानी तुम उसके लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा। तो फिर ये मैच कैंसिल। मगर मैच कैंसिल हुआ तो फुर्सतगंज की तो इज्जत डूब जाएगी। हाँ, लेकिन खेल में चीटिंग हुई तो खेल की इज्जत डूब जाएगी। ओके ओके, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बॉक्सिंग के दौरान अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वेरी गुड जिंटू, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? जरा तुम अपने आप को तो देखो, तुम खुद ही एक पंचिंग बैग जैसे दिखते हो। तुम्हें फाइटिंग के लिए खुद को फिजिकली फिट करना होगा। हाँ जिंटू, इमली ठीक कह रही है। अरे ये क्या किया भुक्कड़, अब हम लोग क्या खाएंगे? वो सब तुम जानो, मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी है, तो ज्यादा खाना भी तो होगा ना, क्यों दादाजी? जिंटू, इतना खाओगे तो तुम तो और भी मोटे हो जाओगे, फिर लड़ोगे कैसे हैं? बॉक्सिंग के लिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, तो कल से कम खाना और ज्यादा मेहनत करना है। कल से नहीं, आज से, अभी से, कल का काम आज करो और आज का अभी। हम जिन लोगों की इज्जत का सवाल है। नाना जी, आप? हाँ बेटा, जब मुझे पता चला कि मेरा जिंटू फाइट करने वाला है, मुझे आना ही पड़ा। चलो अब से तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन नाना जी, आपको पता कैसे चला? जिन लोग इस धरती पर जो भी करते हैं उसकी खबर हमारे जिन रिपोर्टर जिन टीवी चैनल में देते रहते हैं। जैसे ही मैंने न्यूज में देखा जिंटू ने किसी को चैलेंज किया है, मेरे से रहा नहीं गया और मैं आ गया। ये लो जिंटू, इसमें खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट लेता हूँ। ओवरवेट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जिंटू, अब शुरू हो जाओ, इस ट्रेडमिल पे दौड़ना शुरू करो। क्या हुआ जिंटू? अरे दौड़ना तो मुझे था, और ये मशीन क्यों दौड़ने लगी? देखो जिंटू, ये मशीन तुम्हें अपने आप दौड़ाएगी, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ इस पर। चलो चलो चलो, हाँ, वरना गिर जाओगे।
नहीं, मैं इस पे नहीं दौड़ सकता, मैं बाहर दौड़ लूंगा। जिंटू, ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है, खुशी खुशी कसरत करो, रोते हुए नहीं। हाँ हाँ, बस बस, भाषण देना आसान है। ट्रेनिंग पूरी हुई, तुम दुबले तो नहीं हुए लेकिन स्ट्रॉन्ग जरूर हो गए, अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। फाइट में मुझे रेफरी बनाया गया है। हमारी आज की फाइट है फुर्सतगंज के चिंटू और फालतूगंज के बॉक्सर टैंगो के बीच। ओके, रेडी। चिंटू, ऑल द बेस्ट। देख घुमा के चिंटू। ओके। ये दिन में तारे क्यों दिख रहे हैं? जिंटू, फाइट शुरू तो हो जाने दो। उप्स, सॉरी। जिंटू, टैंगो, रेडी। जब मैं बोलूंगा तो फाइट शुरू करना। स्टार्ट फाइट। आठ, सात, छः, पाँच। चिंटू, काउंटिंग तुम नहीं रेफरी करते हैं, जब कोई बॉक्सर गिरता है। ये दिन में तारे फिर से दिख रहे हैं। ओह, ओके, फाइट। बात है, सॉरी, जरा लेट के आराम कर रहा था। चिंटू, वीर, इमली, चुलबुल सब बहुत दुखी होंगे अगर तुम हार गए तो। नाना जिन, हारूंगा कैसे? Yeah.
आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक। ये आज की फाइट के विजेता है